हेलो। हेलो, हाँ माँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार। हाँ देवी, प्रश्न करिए। मुझे शादी के ही बारे में पूछना था। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए हाँ बेटा, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहे थे इसलिए पूछना था, क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है। शादी मनपसंद है। हाँ मतलब हम 3 साल से थे साथ में और घर पे बताया भी था फेब्रुआरी में, फरवरी लेकिन हाँ इस फरवरी में तो में। दोनों के घर वाले भी रेडी थे। बट पता नहीं मार्च से क्या हुआ और लड़का अभी टोटली मना ही वो क्या है, घर वाले रेडी हो गए लेकिन लड़का तो बहक रहा है। लड़का हाँ जो है वो किंतु परंतु में इसने बात अटका दिया है हाँ क्योंकि वो खुद ही बहक गया। और बात भी नहीं कर रहा है अभी। अरे वो खुद ही बहक गए हैं। मतलब किस कहीं और है क्या ऐसा? और भी बातचीत करता है वो, उसमें बहक गया है जिस कारण से वो थोड़ा सा शादी में आनाकानी कर रहा है। और बातचीत करते करते तो टेंशन आपके तरफ से भी हुई है देवी, क्योंकि अब शब्दों का उपयोग आपने भी किया है और उसको थोड़ा सा आपकी जो क्रोधमयी वाणी है ना वो चुभ गई। हुआ है कि नहीं ये बताइए। वो तो है, बट अभी इतने 3 सालों में उसने सारा मैनेज किया और अभी ऑन टाइम आस कर हाँ, रहे हैं। वही, और अभी कैसे फैमिली भी इन्वॉल्व थी ना, और अभी उसमें तो हाँ, कभी हाँ हाँ अभी तो ऐसे नहीं करना चाहिए अभी तो वो पूरा ही अपोजिट हो गया है था। लड़का हाँ जो है, पूरा कि बात ही नहीं करना वो चाहिए। अपने मन में इतना उन्होंने रख लिया कि तुम कहीं भी शादी कर लो उसे कोई टेंशन नहीं है। हाँ हाँ वो अभी बस इतना आग बबूला हो रहा है कि उसे तो अभी तुमको कोई मतलब ही नहीं है। और फिर वो खोज में लग गए हैं, और दूसरा खोज विवाह के लिए, और वो खोज में ना लगे और विवाह आपके ही साथ हो तो इसके लिए फिर माँ भगवती बगलामुखी देवी की कृपा प्राप्त हो और आपका पुनः संयोग जुड़ जाए। लड़का पूरी तरह से अभी अभी बहक गया है ऐसा है। हाँ मतलब मार्च से ही पूरा। हाँ और और बात ये हुई थी ना, उसके बड़े भाई ने फिर ये सलाह दी थी कि तुम 2 महीने बात ही मत करो एक दूसरे से, और फिर क्या रियलाइज होता है तुम दोनों को ये देखो। तो 2 महीने उसने फिर बिल्कुल भी मैसेज कॉल नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था। और बाद में फिर 2 महीने बाद भी तो कुछ बात करनी चाहिए, तो उसके बाद तो वो बिल्कुल ही मतलब नेगेटिव ही हो गया अरे वो एकदम से। पूरा पता है वो दूसरी जगह उनका दिमाग लग चुका है। तो फिर क्या होता है कि जब हमें जिसके साथ जीवन यापन करना है आपको उतना इतनी छूट थोड़ी देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन बात नहीं करना, इसके बाद तो लगाना ही चाहिए ना। अब बिल्कुल ही एकदम कट से छोड़ दोगे आप उसको तो वो उनको शंका होने लगी है आपके ऊपर। आपके ऊपर उसको शंका हो रही है कि आपने उसको मन से निकाल दिया है, तभी आपने उसको रफ टोन में रफ लैंग्वेज में बात की है उससे। मैं उसको तो बीच बीच में तो कितने मैसेज करती हूँ कि बात कर ले मेरे से, तो उसको तो पता है बट नहीं करते हैं। देखो गलती जो हुई है उसके लिए तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गलती को, और अब वो भगवान की कृपा से पुनः वापसी हो आपके लाइफ में तो ऐसे कुछ योग बने। हाँ तो वो जो हो गया वो ऐसा क्या हो गया वो हमने पूरा जान लिया और समझ लिया। अब हमको उपाय करना है कि पुनः उसकी वापसी होना चाहिए, तो वो उसके विषय में आप बताइए। हाँ तो आ पाएगा क्या वो रिटर्न किया, हो कि कहीं उसका और मन वैसे लग वैसे गया नहीं तो आएगा रिटर्न, वो पूरा अपोजिट ही हो गया है और उनके घर घर के लोग जो है उसके फेवर में हैं। मतलब वो पहले मुझे सपोर्ट करते थे, बट इसने बाद में फिर उनको भी बहुत बोला कि अगर आप लोग प्रेशराइज करोगे तो मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगा ये वो। तो अभी वो भी थोड़े घबरा गए हैं, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं उसको, ऐसा हुआ है। नहीं तो वो पहले मेरे को ही सपोर्ट करते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए ये वो उसको, बट वो नहीं समझ रहा था उनकी भी बात।
अभी तो पता नहीं क्या है, बिल्कुल हाय हेलो भी नहीं करता है, कैसी है क्या है वो भी नहीं, कुछ नहीं। माँ बगलामुखी देवी की आराधना आप करें, या फिर उनके वापसी के लिए फिर माँ बगलामुखी अनुष्ठान होता है। अच्छा, और कितने दिन का होता है? बगलामुखी अनुष्ठान 21 दिन होगा। 24। ओके।